ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ेंगे। सरसा में राम रहीम के डेरे पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस और प्रशासन के हाथ जो कुछ लग रहा है उसकी खबर तो सभी के पास है, लेकिन आज हम आपको वो राम रहीम के डेरे की उन जगहों तक लेकर जाएंगे जहां अब तक कोई भी कैमरा नहीं पहुंचा है। MH1 न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिनसे आप राम रहीम के डेरे को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। ग्यारह सौ एकड़ के इलाके में डेरा फैला हुआ है और इतने बड़े बाबा के साम्राज्य में छिपे हुए हैं बाबा के अनगिनत राज। जैसे जैसे ये राज खुलते जाएंगे वैसे वैसे राम रहीम की सारी काली करतूतों के सबूत भी मिलते जाएंगे। डेरे के अंदर सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है और इस दौरान कई खुलासे भी हुए हैं। इस बीच MH1 न्यूज की टीम भी डेरे के अंदर उन जगहों तक पहुंची जहां की तस्वीरें आज से पहले किसी ने नहीं देखी होंगी। MH1 न्यूज की टीम बाबा के डेरे के हर उस हिस्से तक पहुंची और MH1 न्यूज के संवाददाता आलोक सांगवान, बलजीत सिंह और कैमरामैन आदित्य पांडे ने डेरे के हद में जाकर रिपोर्टिंग की और डेरे के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। डेरे के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और MH1 न्यूज की टीम आपको दिखाने के लिए डेरे में पहुंची है। ये डेरे का हिस्सा है जो फार्म हाउस है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, ये पशुवाड़ा है, यहाँ 1168 गायें हैं अच्छी नस्ल की। 1100 एकड़ में फैले बाबा राम रहीम के साम्राज्य में बड़ी तादाद में खेती भी होती है और डेरे की दहशत ऐसी थी कि राम रहीम के साम्राज्य के अंदर किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन MH1 न्यूज की टीम जाबाजी के साथ इस डेरे के अंदर दाखिल हुई और उन जगहों तक पहुंची जहां तक डेरे के लोगों की मर्जी के बगैर पहुंचना अपनी जान जोखिम में डालने से कम नहीं था। हमारे संवाददाता आलोक सांगवान और बलजीत सिंह ने डेरे का जायजा लिया। डेरे के अंदर दूर तक खेत नजर आते हैं जहां पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इन रास्तों को तय करना आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने ये दूरी तय की और डेरे के इतने पास पहुंच गए कि वहां से राम रहीम का माही सिनेमा और 5 नंबर गेट साफ नजर आ रहा है। MH1 न्यूज की टीम डेरे में पहुंची हुई है। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो तमाम इलाका, गेट नंबर 5, गेट नंबर 7 के सामने वाला इलाका, पीछे माही सिनेमा देख रहा है जिसमें अलग अलग तरह की बाबा की जो फिल्म होती थी वो लगती थी और इसको लेकर भी एक विवाद है कि टैक्स को लेकर या फिर परमिशन है या नहीं है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं इनको लेकर विवाद है। हमारे सहयोगी बलजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलजीत जी, सिनेमा को लेकर एक विवाद है कि परमिशन है या नहीं है, माही सिनेमा किस तरीके से चलता था? 3.5 साल पहले ये माही सिनेमा बना था जिसमें पहली फिल्म लगी थी MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड। उसके बाद से शोर मचना शुरू हुआ था। 6 महीने के लिए टेम्परेरी तौर पर DM से इस मल्टीप्लेक्स की परमिशन ली गई थी। उसके बाद मालूम नहीं इन्होंने परमिशन बढ़ाई नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके बाद इनकी जितनी भी फिल्म लगी सिर्फ डेरा चीफ की फिल्में लगती थी, वो सारी टैक्स थी। तो कहीं ना कहीं जो तमाम फिल्में बाबा बनाते थे वो फिल्में यहाँ पर चलती थी और लगातार परमिशन ली या नहीं ली, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर नहीं है। इस सिनेमा यदि हम बात करें तो सिनेमा के बगल वाला जो इलाका है वहां पर किस तरह की चीजें हैं, डेरे में किस तरह की चीजें हैं? 60 टीमें जो बनाई गई थी उसमें DC जो सिरसा है, आबकारी विभाग के हेड, उनके नेतृत्व में जो टीम थी उसने माही सिनेमा का रिकॉर्ड खंगाला है, सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। वो सारा यही चेक कर रहे हैं यहाँ टैक्स फ्री फिल्में लगती रही हैं या दूसरी भी लगी हैं और इस मल्टीप्लेक्स में क्या क्या फैसिलिटी है, परमिशन आगे बढ़ाई गई नहीं बढ़ाई गई, नॉर्म्स क्या कहते हैं, उसको लेकर सारा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और जाँच जारी है। तो कहीं ना कहीं जो सिनेमा है उसको लेकर जो तमाम चीज़ें हैं उसमें भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और जो तमाम जांच है जिसको कहा जा रहा है कि तकरीबन जांच पूरी हो गई है, इस तरह की जो जांच है वो बकाया रहती है उसको लेकर अधिकारी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो जो ज़मीन थी उसको लेकर एक काम बकाया था और माही सिनेमा की जो तमाम डिटेल हैं उसको लेकर भी काम तकरीबन बकाया। आज 3rd दिन के बाद स्पोक्समैन ने यही कहा है कि 99% जो है जांच पूरी हो चुकी है। 1% का मतलब यही है कि सप्लीमेंट रिपोर्ट आती रहेगी। जैसे DC को ये कह दिया कि आप अपने नेतृत्व में टीमें लीजिए, सारा लैंड रिकॉर्ड
लीजिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड लीजिए, उसकी पूरी जांच कीजिए, पटवारियों की, रेवेन्यू के ऑफिसर की, डीआरओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, वो सारा उसका रिकॉर्ड जांचेगी। डीटीसी अपनी पूरी सप्लीमेंट रिपोर्ट बना के देगा कि इस सिनेमा का से क्या क्या परमिशंस थी, कितना इंटरटेनमेंट टैक्स अदा किया गया या टैक्स रिफंड में लगी, इसकी टोटल की टोटल रिपोर्ट डीटीसी ने देनी है। उसी तरह डीएफएससी रिपोर्ट देगा, जितने रेस्टोरेंट थे क्या जीएसटी लागू था, वहाँ लोगों को टैक्स पे किया जाता था, उसकी जितने नॉर्म्स कंडीशन सब हैं वो डीएफएससी रिपोर्ट देगा। जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो पावर हाउस में गए थे, सारे मीटर उन्होंने जांचे हैं, उसकी डिटेल देंगे। एनिमल हस्बेंड्री के लोगों ने बताया है कि यहाँ 1168 पशु थे, सबकी जाँच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट वो देंगे। सारे विभागों के हेड जितने भी हैं, 60 रिपोर्टें सारी सीलबंद लिफाफे में डीसी जो है वो कमिश्नर को सौंपेंगे और कमिश्नर जाके हाईकोर्ट को सौंपेंगे। हमारी टीम डेरे के काफी पास तक पहुंची, जहां से गेट नंबर 5 बिल्कुल पास नजर आ रहा है। इसी गेट से डेरा प्रेमी आते थे और जाते थे। इस इलाके में छोटी नहर भी है, लेकिन फिलहाल इसमें पानी नहीं है। एमएचवन न्यूज की टीम एक बार फिर से डेरे के अंदर पहुंची है। आप देख पा रहे हैं ये नहर है, इस नहर के बिल्कुल साथ में ये जो तमाम इलाका है ये डेरे का इलाका है। और जिस तरीके से आप ठीक मेरे सामने जो गेट देख रहे हैं वो कड़ा पहरा होने के बावजूद भी हमारी टीम वहां पहुंची, जहां की तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं। इस दौरान हमारी टीम का वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी सामना हुआ। हम डेरे के उन इलाकों तक पहुंचे थे जहां तक आज से पहले कोई कैमरा नहीं पहुंचा, और आपको वो तस्वीर दिखाई जो सिर्फ आज तक लोगों ने सिर्फ सुनी ही थी। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ आलोक सांगवान की रिपोर्ट, एमएचवन न्यूज। तो सिरसा डेरे में सर्च ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, और इसी बीच एमएचवन न्यूज के पास डेरे की जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा सकती है, क्योंकि सिरसा के कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीन डेरे ने कब्जा ली है, और डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद अब लोग सामने आने लगे हैं। तो ये वो दस्तावेज है जो एमएचवन न्यूज के हाथ लगे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आप जो दस्तावेज देख रहे हैं उनसे खुलासा हुआ है, अब जो लोग हैं वो सामने आने लगे हैं जो डेरा प्रमुख से प्रताड़ित थे, और उनका ये आरोप है कि उनकी जमीन को डेरे की तरफ से कब्जा लिया गया था, और अब ऐसे में डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद ये लोग उस दहशत से बाहर आए हैं और खुलकर अब सामने आकर अपने इस धारणा को बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ी। सारे जो बाजेका, नेजिया खेड़ा और शाहपुर बेगू, तीन गांवों का रकबा डेरे के अंदर आता है, उनके पटवारियों को बुलाकर तहसीलदार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। वो सारी फर्दें दिखाई जा रही हैं, ये देख मैं आपको दिखाना चाहूँगा। MH1 के पास वो फर्दें हैं, डेरा सच्चा सौदा की जो भूमि शाहपुर बेगू की है या जो ये नेजिया खेड़ा की है, 1116 एकड़ का ये रकबा है जिसकी फर्दें हमारे पास मौजूद हैं। इन सारी फर्दों की सर्टिफाइड कॉपियों को इकट्ठा किया जा रहा है, तहसीलदार की जो है इस पर रिपोर्ट करवा कर कोर्ट कमिश्नर को ये सौंपा जाएगा कि ये कितना रकबा है और पिछले 30 साल का इसका क्या क्या रिकॉर्ड है, किस किस को बेची गई, कौन इस गिरदावरी किसके नाम है, इंतकाल किसके नाम है, पट्टा किसके नाम है, और कौन कौन मालिकाना हक किस किस के पास है। और DC साहब ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है कि उनकी ज़मीन दबाई गई है, सस्ती ली गई है, तो वो अलग से हरियाणा सरकार को इस बात की शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल 30 साल का उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो वो सील बंद लिफाफा कोर्ट को सौंपेंगे। अगर किसी को अपनी भूमि को लेकर डेरा से कोई शिकायत है वो अलग से हरियाणा गवर्नमेंट को शिकायत कर सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शिकायत कर सकता है। ये MH1 के पास जो है एक्सक्लूसिव शॉट से इस चीज़ के ये फर्दे हैं सारी, डेरा सच्चा सौदा के नाम। सबसे पहले शाहपुर बेगू गाँव में ये सारा रकबा लिया गया जो 768 एकड़ का है, उसके बाद गाँव नेजिया खेड़ा की जमीन ले गई जिसमें नया डेरा बना हुआ है, इसमें 768 एकड़ जिसमें एलोवेरा, नरमा, जो धान और कनक की खेती होती है, लेकिन मेन जो है वो एलोवेरा की खेती है जिससे हर्बल प्लांट्स उगाए जाते हैं, MSG के प्रोडक्ट्स सारे इसी से बनते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं 300 एकड़ का जो कवर्ड एरिया है जिसका कोई CLU नहीं करवाया गया, कोई चेंज ऑफ लैंड यूज़ नहीं करवाया गया, उसको भी सरकार देख रही है अभी कवर्ड एरिया किसकी परमिशन से, कोई डेवलपमेंट चार्ज आपने नहीं भरा, किस किस से बना जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो माही सिनेमा का रिकॉर्ड
खंगाला गया है। डीटीसी ने यही बताया है कि पहले 6 महीना के लिए डीएम से परमिशन ली गई थी, उसके बाद हालांकि जितनी फिल्में यहां लगी हैं वो टैक्स फ्री हैं, कोई इंटरटेनमेंट टैक्स का कोई मामला नहीं है, लेकिन सिनेमा की परमिशन आफ्टरऑल किसकी परमिशन से आगे बड़ी है? डीएम ने तो सिर्फ 6 महीने के लिए परमिशन दी थी, इस बात को भी जो है ना जाँच के विषय में लिया जा रहा है। देखिए बलजीत सिंह जी, जिस तरीके से 7 सेक्टर में कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, तो 3 सेक्टर के लिए आपको क्या लगता है कि श्याम ढलते ढलते तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी या लगता है कि 1-2 दिन और लग सकता है? नहीं, 3 सेक्टर जो हैं वो कोठियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, एग्रीकल्चर लैंड का एरिया बहुत बड़ा रकबा है, 1 दिन में इसको नहीं जांचा जा सकता, इसको मंगलवार शाम तक की उम्मीद कर सकते हैं। 2 दिन इस एग्रीकल्चर लैंड को लग जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से 150 पटवारियों की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में, डीआरओ के नेतृत्व में जाएंगी, उनकी भी आपस में टीमें बांटी गई हैं, उनको जरीब और फीते थमा दिए गए हैं कि पूरी ज़मीन की 1-1 इंच की पैमाइश करें, किसकी डोल किसकी मेड़ साथ लगती है। पड़ोस के किसानों को भी सूचित कर दिया गया है कि जब पैमाइश हो आपने भी मौके पर रहना है, आपकी किसी की ज़मीन अगर दबाई गई है या डेरा की ज़मीन अगर आपके पास है तो आपको उसके लिए पूरी निशानदेही का पूरा इंतजाम किया गया है, पूरी जुरी पूरे जो फीते इंतजाम किया गया, 150 पटवारी हैं जो इस पूरे रकबे को मापेंगे। तो डेरे के अंदर चल रहा सर्च ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। अब सवाल यही है कि इन सवालों का जवाब आखिर कब तक मिलेगा? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कब प्रद्युमन को मिलेगा इंसाफ।